हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहां पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड। और आवास फाइनेंसर अगर आप देखेंगे दोस्तों एक समय में ये निवेशकों का आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, सिर्फ निवेशकों का ही नहीं एनालिस्टों का, ठीक है, एनालिस्टों का भी ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। और अगर आप आज भी देखेंगे तो आवास फाइनेंसर को लेकर के जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं, लेकिन उसका जस्ट उल्टा, जो एक समय में जो रिटेल निवेशक था वो जो बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ करता था कि भाई ये स्टॉक बहुत अच्छा काम करेगा, अब फ्रस्ट्रेटेड बहुत है। रीज़न देखिए, बातें तो सब आवास फाइनेंसर को लेकर के बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सत्य यह है आवास फाइनेंसर को लेकर के, अगर मैं आपको पिछले एक साल में दिखाऊं, स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से आप देखें 27% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट हम थोड़ा पहले चलते हैं 5 साल में तो देखेंगे स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है, स्टॉक 3000 के लेवल को छूने के बाद अब आप देखेंगे तो 57.2% के आसपास की आपको गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। और अपने एक ह्यूमंगस, मैं कहता हूं दोस्तों ये जो लेवल है ना, ये कौन सा 1000, आवास फाइनेंसर 1000 तोड़ पाएगा ये हो पाना बहुत मुश्किल है। आप देखें ये जो लेवल है ना 1000 के, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आवास फाइनेंसर के लिए मेक इट और ब्रेक इट लेवल होगा। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों मेक इट और ब्रेक इट लेवल होगा क्योंकि देखिए इसने तमाम सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आया है, बस अब एक ये सपोर्ट है दोस्तों, आप देखिए ये सपोर्ट है जो लगभग बचा हुआ है, वरना फिर स्टॉक 1000 के आसपास आएगा। और स्टॉक में कहीं से भी कोई आपको मजबूती देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्यों आप देखें 1313 यहाँ पर स्टॉक आ गया है। एक चीज़ अब आवास फाइनेंसर के जो निवेशक हैं उनको देखनी है, क्या 1290, जी हाँ, अगर 1290 को ये स्टॉक तोड़ने में कामयाब हो जाता है और 1290 के स्टॉक नीचे जाता है दोस्तों, ठीक है, और एक दो दिन सस्टेन कर जाता है तो भैया वापस से ना 1300 का लेवल बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के उभरेगा। देखिए ये तो आपको पता होगा कि स्टॉक के लिए जितने जो जितना बड़ा मजबूत सपोर्ट होता है वो बाद में उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है अगर वो टूटता है तो बाद में उतना ही बड़ा दोस्तों आप कह सकते हैं सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई आप यहाँ पे पाएंगे दैट वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ ना, आप देखें यहाँ पे पिछले 5 सालों में स्टॉक ने मात्र 13.690% का रिटर्न दिया है, लेकिन आप समझिए जो आवास फाइनेंसर है वो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ने पिछले 2 से 3 क्वार्टर में जिस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी में, जी हाँ अपनी टेक्नोलॉजी में निवेश किया है, ठीक है, कंपनी का जो ओवरऑल प्रोसेस है, चाहे वो देखिए इसका मेन काम क्या है, फाइनेंस, ये होम लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, तो भाई इनका जो ओवरऑल प्रोसेस होने वाला आने वाले समय में कहा यह जा रहा है वो 80-100% ऑनलाइन होगा दोस्तों, ऑनलाइन द सेंस सब AI ड्रिवन कह सकते हैं या इनकी एक टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू होगा, और इसके लिए कंपनी ने बहुत मेहनत की है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इसके कारण बीच में इनका जो ओपेक्स था दोस्तों, ओपेक्स मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, जिसके कारण स्टॉक में एक बहुत बहुत ज़्यादा सी आपको तेज़ी देखने को मिली थी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भैया एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये स्टॉक है बहुत अच्छा, लेकिन थोड़े समय के लिए शायद आपको परेशानी का सबब भी मिले। और बात इतनी सी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं आवास फाइनेंसर के लिए जो सपोर्ट है वो 1000 का इतना ज़्यादा शानदार है, अगर ये स्टॉक 1000 रुपीज़ जाता है, यानी यहाँ से कितना दोस्तों, लगभग 15-20% के आसपास के बीच का आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए
कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कंपनी में कहीं से मैं नहीं कहूँगा कि कोई डाउट है या भाई कंपनी कुछ भी करने वाली है, लेकिन ये देखिए 21% के आसपास का ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये जो गिरावट होगी ये 22-21% के लिए होगी। तो अगर आप SIP मोड में लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कह सकते हैं वो हैं कि भाई मैं हर महीने या 100 रुपये में खरीदूंगा, तो मुझे लगता है ये अब ना काफ़ी अच्छा लेवल है। हाँ, याद ही रखिएगा ये जो पूरा साल है, जी हाँ ये जो पूरा साल है ये चुनाव से भरा हुआ है, ठीक है। तो बाज़ार में अगर गिरावट होती है तो आवाज़ फाइनेंसर में भी गिरावट बचेगी नहीं, इसीलिए कहूँगा लम सम की बजाय यहाँ एक्यूमुलेशन मोड में रहें। और मुझे ये लगता है इस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया, इस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये एक काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है दोस्तों। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आपको ये स्टॉक दे सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक में कहीं से कोई डाउट नहीं है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी एनालिसिस आवाज़ फाइनेंसर्स को लेकर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।